Hi, grade 5th. Today I am starting revision of Real English poem number 1. I had sent you 2 videos for poem The Truth. You check these videos and then try to solve this question answers and meanings. Give the meanings for the following. Bring you to your knees means make you humble. आपको हम्बल बना देता है, मतलब आपको किसी भी चीज का घमंड नहीं रहता है, राइट. मिस्ट्री मीन्स हम कई बार बोलते हैं ना, दिस पर्सन इज मिस्टीरियस. मिस्टीरियस मतलब ये अपने आप में एक पजल है, वो हमेशा इधर कंफ्यूज रहता है या फिर हमेशा पहेलियों की तरह बात करता है. उस इंसान को हम जनरली समझ नहीं सकते. दैट पर्सन इज कॉल्ड मिस्ट्री. In vain का मतलब होता है unsuccessful, किसी भी चीज में success नहीं मिलना, right? Now I'll start with the question answers. What does this line means? Say what you want mean what you say. जनरली हम आंसर्स ऐसे स्टार्ट करते हैं. जब भी ऐसे आंसर्स मिलते हैं, यू हैव टू राइट दिस लाइन. सी, मैंने वही लाइन लिखी है. आप लोगों को कई बार क्वेश्चन आंसर्स बहुत बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन वो जनरली बड़े होते नहीं है. यू हैव टू यूज योर ब्रेन्स एंड अंडरस्टैंड हाउ द आंसर इज फॉर्म्ड. से व्हाट यू वांट मीन व्हाट यू से, ये आपको पूरा यहीं से मिल गया. दिस लाइन मीन का मैंने मीन्स कर दिया, क्योंकि ये जो डज है वो इसके अंदर चला गया. सो दिस लाइन मीन्स मतलब इतना आंसर तो आपको इधर से ही मिल गया क्वेश्चन में से. आपको याद सिर्फ इतना ही रखना है. एंड से व्हाट यू वांट मीन व्हाट यू से का मतलब होता है वन शुड नॉट मेक फॉल्स प्रोमिसेस, किसी को गलत प्रोमिसेस नहीं करनी चाहिए. व्हाट डज नरेटर want us to say, be who you are, do as you please. मैंने इसी क्वेश्चन को यहीं से लिया है. be who you are, do as you please. here the narrator want to say, be natural and not copy other people. आपको अपने आप रहना है, आपको किसी को कॉपी नहीं करनी है. what does this line mean? The truth is the end of a mystery. This line means the truth is only things that can remove all the confusions. जब हमारे सामने सब सारी सच्चाई आ जाती है, तभी हमारे सारे confusion clear होते हैं. ये fourth question third ही है जो actually गलती से repeat हो गया है. I had written one time answer again. This line means the truth is only thing that can remove all confusion. Right? Number 5. What does the narrator want to say? The truth is goal we all must achieve. Here narrator wants to say that we should try to be truthful all the time. हमें इस लाइन में narrator कहता है कि आपको हमेशा ट्रूथफुल रहना चाहिए. वॉट डज द पॉइंट मीन वेन ही सेज दैट द ट्रूथ इज गोइंग टू ब्रिंग यू टू योर नीज. हियर द पॉइंट मतलब ये जो लाइन है, द ट्रूथ इज गोइंग टू ब्रिंग यू ऑल योर नीज. हियर द पॉइंट मीन्स दैट वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ एज इफ वी लाई. We will lie. The truth will not be kept unwrapped. Unwrapped मतलब बिना खुले. मतलब यहाँ पोएट कहता है कि हमें हमेशा खुद सच बोलना चाहिए. अगर हम झूठ बोलेंगे, if we will lie, सच हमेशा छुपा हुआ नहीं रहेगा. सच कभी ना कभी बाहर आ ही जाएगा. Where can you find the truth? We can find truth everywhere. हमें truth हर जगह मिलेगा. Whatever we'll see, हम जो भी देखते हैं.
फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए, ऑल द थिंग्स वी फाइंड और ईच एंड एवरी थिंग वी कैन ऑब्जर्व, या फिर ऐसी सारी चीजें जिसे हम देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, हमें हर जगह ट्रूथ मिलता है. व्हाट इज द गोल वी ऑल मस्ट अचीव, व्हाई, व्हाट एवर वी वॉन्ट एंड वी विल बिलीव दैट वी शुड ऑलवेज से, बिकॉज एल्स ट्रूथ विल रिवील ऑल अवर सीक्रेट्स. मतलब कि व्हाट इज द गोल वी मस्ट अचीव, जब हम सच बोलते हैं तो हम क्या गोल अचीव करते हैं और व्हाई मतलब क्यों. व्हाट एवर वी वॉन्ट, हमें जो भी चाहिए, एंड व्हाट एवर वी बिलीव, हम जो भी बिलीव करते हैं, वी शुड ऑलवेज से, हम अगर किसी चीज को बिलीव करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए तो हमें वो बोलना चाहिए. वो अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो कभी ना कभी किसी न किसी को तो पता चल ही जाएगा. सो व्हाट आई हैव रिटन इज वी बिलीव और वी शुड ऑलवेज से, हम जो भी बिलीव करते हैं हमें बोलना चाहिए, बिकॉज ऐसा है, अगर ऐसा नहीं किया तो ट्रूथ विल रिवील ऑल अवर सीक्रेट्स, हमारे दिल में जो भी सीक्रेट्स हैं या फिर हम किसी से कुछ छुपा रहे हैं तो वो राज खुल जाएगा. हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द ट्रूथ पोएम का पोएट कौन है, एंथनी स्मिथ इज द पोएट ऑफ द पोएम द ट्रूथ. यस, होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. With this, I'll end this class, and you have to revise this poem again, and you will complete this exercise. Question number 1 to 9 in your worksheet, and meanings 1 to 3 in your worksheet. Yes. Goodbye, everyone. Goodbye for the day. Bye.